हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जे एसएससी वाला। कैसे दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। ये वीडियो जो जेएसएससी सीजल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए एक आवश्यक सूचना है, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे भी वीडियो नहीं आ पा रही है। उससे रिलेटेड आपके लिए एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों, ठीक है, और एग्ज़ाम को लेकर भी बताने वाले हैं आपको। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जेएसएससी सीजल की तैयारी कर रहे हैं, देखिए तो सबसे पहले बात, आपको कंपटीशन बहुत ज़्यादा टाइट होने वाला है, इसे बात मान के चलिए आप लोग, ठीक है। इसलिए आपको दाएं बाएं की बात नहीं सुनना और अपने ईमानदारी से लगाइए, होना होगा तो होगा, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं वाला, ठीक है। इसके लिए परेशान होने की बात नहीं है, ठीक है दोस्तों। आप 21-22 का डेट आयोग पूरा तैयारी कर रहा है, देखिए तैयारी पूरा कर रहा है, नहीं हो पाया तो एक सप्ताह दो सप्ताह बढ़ सकता है, लेकिन चांसेस पूरा है कि एग्ज़ाम ले लेगा, ठीक है दोस्तों। इसलिए एक बार अंतिम प्रयास कीजिए, बाकी ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए, ठीक है दोस्तों। 25 दिन का सही रणनीति बनाना है आपको, और अभी करना कुछ नहीं दोस्तों, जितना भी चीज़ आप पढ़ाई की हैं सब रिविज़न करना है, ठीक है। सब ASO के लिए काफ़ी मारा मारी है दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा, मार्केट में देख ही रहे होंगे, ठीक है। दूसरी बात दोस्तों, यदि अभी जो हम YouTube चैनल पे जो क्वेश्चन करवाएंगे दोस्तों, जो आपको ग्रुप में पेड ग्रुप में डालेंगे, अब वो सब चीज़ करवाने वाले हैं जो कि आप रिविजन पर्पज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब कुछ नया नहीं करवाएंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए मैक्सिमम चीज़ लगभग हो गया, हाँ कुछ नया होगा कराने के लिए तो जरूर करवाएंगे, लेकिन देखिए होता क्या है ना, एग्जाम में क्वेश्चन वही सब आ जाता है पुराना वाला, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और उसमें आप सिली मिस्टेक कर जाते हैं, तो वो आपको क्या करता है, रैंक को नीचे कर देता है। इसलिए आप वो क्वेश्चन, आप वो चीज़ करेंगे जो आपको पहले से करा रखा गया है और इंपॉर्टेंट है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि आप एग्ज़ाम में गलती ना करके यहाँ गलती कर लीजिएगा। टारगेट कर रहे हैं वैसे ही कुछ करने के लिए, ठीक है दोस्तों। इसलिए चैनल के साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों, यदि आप ASO के लिए तैयारी कर रहे हैं, यदि ASO बनना ही बनना है, तो सबसे पहले आपको कि पूरा तह दिल से आप एक महीना भी नहीं बचा पूरा पर देखिए, तो देखिए अब देखा जाए तो 15-16 तारीख तक, देखिए सितंबर तक आपका माहौल पूरा बन जाएगा, एडमिट कराने के बाद में माहौल पूरा बन जाता है एग्जाम का। इसलिए आपके पास 15-16 तारीख तक ही आपके पास टाइम है, तब पूरा पर देखा जाए तो 20-25 दिन का समय ही आपके पास बचा हुआ है, ठीक है दोस्तों। इसलिए ईमानदारी से कीजिए। और इधर उधर का देखिए, जिसके पास CGL के अलावा कुछ और भी नहीं है तो उसको तो लगना है, बाकी और किसी के पास कोई एग्ज़ाम वगैरह है तो उधर देख लीजिएगा, अपने हिसाब से कर पाते तो ठीक है, नहीं तो फिर देखिएगा क्या बोल सकते हैं इसमें, क्योंकि झारखंड में कोई चीज़ 100% बोलना मुश्किल है, ठीक है। तैयारी चल रहा है, आप देखते हैं कितना सफल हो पाता है JSSC और सरकार, दबाव तो बना हुआ ऐसा बात तो है नहीं, आयोग आंदोलन का है, ट्विटर आंदोलन प्लस जो राज्य भर में जो आंदोलन किया गया था, यकीनन सरकार के पास न्यूज गया हुआ है, तो कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा है, आप देखते हैं ये कितना सफल हो पाता है। उम्मीद है, सरकार से रिक्वेस्ट रहेगा, आयोग से भी रिक्वेस्ट रहेगा, एग्ज़ाम कराना बहुत बड़ी बात नहीं है, फेयर तरीके से एग्ज़ाम कराना ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और सरकार चाहेगी फेयर तरीके से करवाने तब डेफिनेटली करवा सकेगी, क्योंकि दोस्तों बहुत सरकार के हाथ में बहुत कुछ है, चाह लेगी ना, परिंदे ने पर मार पाता है, एक कहावत सुने होंगे, एक परिंदे भी पर नहीं मार पाएगा यदि इतना टाइट कर देगा हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री जी जो है, सो वाकई हो सकता है ऐसा यदि चाह तो, बाकी उनका दिल में क्या है, दिल और दिमाग में क्या है पता ही है आपको, अब किसी से छुपा हुआ नहीं है, अब क्या कर सकता है वो भगवान जाने, ठीक है दोस्तों। चलिए खैर जो भी दोस्तों, तो हम लोग कल से अब रेगुलर बेसिस पे जो भी वीडियो आएगा एक दो नया कुछ नहीं करेंगे, जो है उसको रिविज़न के पर्पज़ पर काम किया जाएगा, और अपना रिविज़न कीजिए, क्योंकि आप तो पढ़ तो बहुत लिए, नया पढ़ने का, हाँ कुछ नया होगा वो तो हम बताएंगे, उसका टेंशन मत लीजिए, और जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट वो हम करवा देंगे, ठीक है दोस्तों। दूसरी बात दोस्तों, करंट अफेयर का आप लोग अभी फोकस कीजिए बढ़िया से, करंट अफेयर SPD वगैरह ले लीजिएगा, जो भी आप पढ़ते होंगे, बहुत सारे मार्केट में बुक आते हैं, ठीक है। झारखंड का करंट अफेयर देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात JSSC वाला आप ऐप डाउनलोड नहीं किए होंगे ना, JSSC वाला ऐप तो जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से बहुत सारे PDF आपके लिए 5-6 PDF आपको अवेलेबल है, वहाँ पर देख लीजिए, जो आपके काम का हो जरूर PDF को जरूर देख लीजिएगा एक बार। वहाँ पर सेंट्रल का करंट अफेयर है, ठीक है, झारखंड का करंट अफेयर है, ठीक है, फिर Paper 1 का हिंदी का जो ग्रामर है वो भी देख लीजिएगा, क्योंकि पास करना बहुत ज़रूरी है हिंदी में, हिंदी पास करना बहुत ज़रूरी है हिंदी इंग्लिश में Paper 1 के लिए, तो Paper 2 में भी काम आ जाएगा वो, ठीक है। और बहुत सारे PDF है जो आपके काम का है, ठीक। तो करंट अफेयर झारखंड का, सेंट्रल का, करंट अफेयर झारखंड का जो है तो 2021 से लेकर 2024 तक जुलाई तक है, ठीक है, वहाँ देख लीजिएगा एक बार, डाउनलोड कर लीजिए, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे वहाँ पर, ठीक है दोस्तों। बाकी रिविज़न आप शुरू कर दीजिए जितने ज़्यादा हो सके तो, क्योंकि रिवीजन ही आपको बेस्ट रैंक दिलवाएगा, कुछ नया पढ़ने की कोशिश कीजिएगा तो गड़बड़ा जाइएगा, ये बात मान के चलिए आप, ठीक है। और हो सके तो Paper 1 का भी थोड़ा बहुत देखते चलिएगा, Paper 1 को भी यदि 1 घंटा देते हैं, आधा घंटा 1 घंटा, ज़्यादा नहीं देना, उसमें तो आप पास कर ही जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन फिर भी यदि आपको डर लग रहा तो ज़रूर देख लीजिएगा 1 घंटा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पास करना बहुत ज़रूरी है, और कंपटीशन बहुत ज़्यादा टाइट है। और जितना भी होगा आप पेड वाले ग्रुप के लिए, जो हालांकि बहुत सारे लड़का लोग कमेंट कर रहे हैं कि PDF नहीं आ रहा ग्रुप में, तो PDF डालेंगे तब तो जाएगा, वीडियो ही नहीं बन रहा था तो PDF कहाँ डालेंगे हम, ठीक है। मैक्सिमम चीज़ तो हो ही चुका, लगभग चीज़ तो हो ही चुका है, बाकी अब जो भी नया देंगे आपको ग्रुप में देंगे, आप जब भी डालना होगा, ठीक है। लेकिन आप
रिविजन पे फोकस कीजिए अब, ठीक है। नया मत पढ़िए, अब समय नहीं है, अब ऐसे समय निकल जाएगा 15 दिन पता भी नहीं चलेगा आपको, ठीक है दोस्तों। और कंपटीशन है अच्छा खासा, ये हल्के मत लीजिएगा। देखिए कंपटीशन फेयर तरीके से होता तो ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, लेकिन दोस्तों बात वही है ना, झारखंड है, क्या होता नहीं होता आप सबको भली बातें पता है, इसलिए थोड़ा सा दबा के पढ़िए जितना ज़्यादा हो सके तो, ठीक है। बाकी एंजॉय करके टेंशन लेकर नहीं पढ़ना है, ठीक है। और दोस्तों यदि आप ये तैयारी कर रहे हैं इसका रनिंग वाला, जो तैयारी कर देख रहे हैं, 2-3 लड़का डेथ कर गया है, तो अपना कैपेसिटी देखिए दौड़ने का, ठीक है। दौड़ पाते तभी दौड़िए, वरना यार लाइफ में बहुत कुछ है, ठीक है। शायद 2 या 3 स्टूडेंट शायद डेथ कर गया, कभी प्रैक्टिस अच्छा तरीके से हो, लंबा प्रैक्टिस हुआ होगा नहीं, अचानक से फूलने का, सांस फूलने का प्रॉब्लम से डेथ कर जा रहा, तो थोड़ा सा ये सब ध्यान रखिएगा, ठीक है। नौकरी ये सब चीज़ नहीं होता है, अरे ज़िंदगी रहेगा तो बहुत कुछ कमा खा लीजिएगा, ऐसा बात नहीं है, बहुत सारे भी एग्ज़ाम होंगे, ऐसा बात थोड़ी, सेंट्रल का है, झारखंड का भी एग्ज़ाम होगा, लग आपके किस्मत में किस सरकारी नौकरी होगा तो हो ही जाएगा, चाहे जहाँ भी होगा, ठीक है। इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य में मस्त रह के पढ़ाई कीजिए, कोई तरह का टेंशन नहीं लेना है। और अभी खाने में भी ध्यान देना है, पता चला उल्टा पुल्टा खाने खाने तबीयत ख़राब हो गया, ऐसा हो रहा है बहुत सारा, ठीक है। इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा, 1 महीने का बात है आपका, ठीक है दोस्तों। चलिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिसका, और ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।